नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे कमोड का जो कि हमें मिलता है हिंडवेयर की तरफ से। हिंडवेयर का एक मॉडल है जो कि है एलिगेंस S220। तो इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसका देख लेते हैं कि इसका कैटलॉग नंबर है 20119 और MRP इसका जो है 15,300 और 22 अप्रैल 2022 का बना हुआ है। तो चलिए इसको खोल कर देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें फ़ीचर मिलते हैं और कैसा ये कमोड में देखने के लिए मिल जाता है। तो एलिगेंस S220 इसका मॉडल नंबर है। तो आप इसको 11,000-12,000 रुपये तक में आप इजीली ले सकते हैं। अगर आप कोई भी ऐसा कमोड लेना चाहते हैं तो आपको ये 11-12,000 रुपये में मिल जाना चाहिए। तो चलिए आप देख लीजिए किस तरह का ये कमोड है और कैसे हम इसकी फ़िटिंग करेंगे, वो भी सब आपको बताऊँगा। तो इसमें जो ये सीट का कवर आता है कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलता है, एकदम प्योर वाइट कलर में मिलता है। हालांकि ये एकदम नॉर्मल सीट कवर है और इसमें मुझे ब्रांडिंग भी देखने के लिए नहीं मिली है। तो मैंने 2-3 ये चेक किए थे तो तीनों में इसमें ब्रांडिंग नहीं है। और जो उसके जो नॉर्मल रेंज में जो आते हैं, जो 5-6-7-8 हज़ार के कमोड होते हैं, उसमें प्रॉपर ब्रांडिंग मिलती है इसके सीट कवर में। बट ये इतना महंगा होने के बावजूद भी इसमें हमें कोई भी ब्रांडिंग नहीं देखने के लिए मिलती है और ये जो सीट कवर है एकदम ऑर्डिनरी सीट कवर की ही तरह लगता है। तो सीट इतनी महंगी है ये, तो इसका जो सीट कवर है वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए था और ब्रांडिंग भी उसमें प्रॉपर होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें नहीं है। तो सीट कवर को फिक्स करने के लिए हमें कुछ स्क्रू मिल जाते हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं। दो ब्रैकेट मिल जाते हैं जो कि हम सीट को अटैच करने में यूज़ करेंगे। ये दो लगेंगे इसके होल में और ये जो वाइट कलर के ब्रैकेट हैं ये सीट के अंदर हम फिक्स कर देंगे। तो दो प्रॉपर नट मिल जाते हैं हमें, कुछ इस तरह से ये देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए कमोड की तरफ देख लेते हैं कि कैसा ये कमोड हमें देखने के लिए मिलता है। तो सबसे ऊपर जो इसका कवर है उसमें हिंडवेयर की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। जो सीटिंग एरिया है वहाँ पर भी हमें हिंडवेयर की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। ये जो सीट है S220 मॉडल, इसमें 4D साइफोनिक ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें ऑर्डिनरी जो सीट होती है उसमें 3 होल होते हैं, बट इसमें हमारे पास 4 होल होते हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर। तो जो भी पानी होता है वो एक भंवर की तरह रोटेट करके इसमें जाता है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। तो सभी कुछ अच्छे से क्लीन हो जाएगा इसमें। तो कुछ इस तरह से ये सीट हमें देखने के लिए मिलती है। काफ़ी वाइड एरिया इसमें मिल जाता है वाटर सप्लाई के लिए और स्टोरेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज हमें इसमें मिल जाती है। पानी इसमें काफ़ी अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हैं, तो 6-8 लीटर पानी इसमें आ जाता है। तो कमोड को बाहर निकाल कर देख लीजिए, कुछ इस तरह से आपको ये देखने के लिए मिलेगा। एकदम प्योर वाइट कलर में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है और कोई भी इसमें कटिंग एज नहीं मिलता है। एकदम सिंपल प्लेन एकदम स्लिपरी डिज़ाइन इसमें देखने के लिए मिलता है। पीछे की तरफ से आप देख लीजिए कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन है और यहाँ पर ये जो है इसमें हम करेंगे पानी की फिटिंग। तो यहाँ पर हमारा वाटर सप्लाई इसमें जाएगी और ये अटैच हो जाएगा हमारा, जो कि एक पाइप इसमें हमें देखने के लिए मिला होगा उसके साथ इसको अटैच करेंगे तो पानी यहीं से इसमें जाएगा और बाकी कुछ भी इसमें नहीं है। बाकी अंदर से कुछ इस तरह से बिल्कुल क्लीन एरिया इसमें देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर हम पानी लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ से आप देख लीजिए यहाँ पर एक कवर मिल जाता है हमें, कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है। इस कवर को हटाएंगे तो अंदर पर इसका पंप मिल जाएगा और इसमें हमें ऑप्शन मिल जाता है वाटर का लेवल मेंटेन करने का। हम 8 लीटर पानी रखना चाहते हैं, 4 लीटर पानी रखना चाहते हैं या फिर 6 लीटर पानी रखना चाहते हैं, वो सब। तो ये जो है इसको प्रेस करने के लिए बटन मिल जाती है, नॉब जो है। तो इसको भी मैं लगा के दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से ये लगती है। तो प्लास्टिक की क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी है, क्रोम की फिनिशिंग इसमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाती है और जो इसका स्प्रिंग मैकेनिज्म है काफ़ी सही है, तो ईजिली ख़राब नहीं होने वाला। अगर ख़राब भी होता तो उसको हम चेंज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। नीचे पे इसमें 2 स्टिक मिल जाती है जो क्या करेगी, ये 2 स्टिक हमें ये जो पंप है इसको प्रेस करने का काम आएगा। यहाँ से हम इसको ये इस तरह से प्रेस करेंगे जब ये स्टिक इसके ऊपर लग जाएगी। तो इसको हम ऊपर वाले क्रोम वाले जो ढक्कन अभी मैंने आपको दिखाया था उसी में इसको फिक्स करना होगा। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे ये भी हम देखेंगे थोड़ी देर में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि अगर आप लोग ये सीट लेना चाहते हो तो आप खुद से इसको अटैच कर सकें, खुद से इसको लगा सकें। अदरवाइज़ प्लम्बर इसको आसानी से फिक्स कर देता है। तो ये जो है ये है वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है 2, 4, 6, 8 लीटर तक का,
तो इसको हम खुद से एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना पानी इसमें चाहिए, 6 लीटर पानी रखना है या फिर 4 लीटर पानी रखना है या फिर हमें 8 लीटर पानी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो 8 लीटर तक अगर हम इसको रखेंगे तो भी ये काम कर जाएगा। और ये प्रेस करने के लिए लॉन्ग और शॉर्ट प्रेस करने के लिए है। और ये जो है वाटर लेवल, अगर जब हमारा पानी फुल हो जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा और पानी बंद हो जाएगा आना, और जैसे ही ये खाली होगा फ्लश करेंगे, ये खाली होगा तो इसमें से फिर पानी भरने हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सेट करना है हमें, एक छोटा रखेंगे एक बड़ा रखेंगे, तो इसी को एडजस्ट करते हैं इसके साथ कुछ इस तरह से, तो एडजस्ट करके बताऊंगा। तो इस सीट के साथ में हमें मिल जाता है एक पीवीसी का पाइप, जो कि हमने अभी बताया था कि यहाँ पर एक पाइप लगेगा वाटर सप्लाई के लिए, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पाइप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। साथ में मिल जाती है गैस्केट जो कि लीकेज को रोकती है, तो ये गैस्केट इस कमोड के जो नीचे वाला मुँह है उस पर लगेगी। और साथ में मिल जाते हैं 2 नट मिल जाते हैं जिससे कि हम अपनी सीट को फिक्स कर सकते हैं, और इसको फिक्स करने के बाद ये कहीं हिलेगी डुलेगी नहीं, एकदम अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स रहेगी। तो चलिए इसको अभी एडजस्ट करके देख लेते हैं, इसमें लगाएंगे हम अपनी वो जो स्टिक। तो ये जो प्लास्टिक की स्टिक है वो हमारा इसमें अटैच होती है कुछ इस तरह से, और जो हमारा लॉन्ग फ्लश है, तो जो कि हमारा ये लॉन्ग फ्लश है जिससे कि ज़्यादा पानी ड्रेन होगा, एक वो है और एक छोटा वाला है। तो छोटे वाले में अगर हम हाफ फ्लश बोलते हैं, ये फुल फ्लश और एक ये हाफ फ्लश, अगर मैं हाफ फ्लश करना चाहता हूँ तो मुझे इसकी लेंथ थोड़ी छोटी रखनी होगी। तो इसको इसके अंदर फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ से खोलना होगा, तो ये यहाँ से इजीली खुल जाता है कुछ इस तरह से, और ये हमें यहाँ से इस तरह से ये फिक्स कर लेना है। ये कुछ इस तरह से फिक्स हो चुका है, तो ये दोनों फंक्शन कर रहे हैं अब, तो दोनों जो हैं सेम लेंथ तक प्रेस होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई नीचे कोई ऊपर आ रहा होगा। तो हाफ और फुल फ्लश करने के लिए हमें ये खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फिक्स कर देता हूँ इन डंडियों को, तो ये वाला जो है हमारा बड़ा वाला है, ये छोटा। तो जो ये स्टिक है इनकी हाइट थोड़ा ज़्यादा होती है, तो इनको हम तोड़ भी सकते हैं बीच से, तो इजीली ये टूट जाती हैं और इसको हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि किस तरह से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी हमारा यू बैंड है या फिर जो हमारा ड्रेनेज वाला पाइप है उसको पूरा ग्राउंड लेवल पे मिला के रखना होगा, बिल्कुल टाइल्स से मिलाते हुए उस यू बैंड को रखना है। और उसके बाद यू बैंड के अंदर हम डालेंगे 4 से 5 इंच का पाइप, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ग्रे कलर का पाइप है, तो ये हमने एक्स्ट्रा पाइप डाला है उस यू बैंड के ऊपर। और ये जो पाइप है ये ज़मीन से कम 1 इंच के ऊपर होना चाहिए। तो जो भी आप उस पाइप को फिक्स करेंगे तो 4 या 5 इंच का पाइप रखना आप, जिससे कि वो ज़मीन से 1 इंच ऊपर पे आ जाए, क्योंकि इसका जो गैप है नीचे पे व्यू दिखाऊंगा तो कम से कम 1 इंच ऊपर से इसको कवर कर लेगा। तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह का सेटअप बनाना होगा, और अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से अब इसको एडजस्ट करेंगे। ये जो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे जो छेद है इसका, जहाँ से भी हमारा सारा ड्रेनेज निकल रहा है, ये पानी निकल रहा है, इसके ऊपर हम लगाएंगे गास्केट। गास्केट क्या करेगी, लीकेज को रोक देगी और फिर हम इजीली इसको इसमें फिक्स कर देंगे, जिससे कि हमारी पूरी लीकेज बंद हो जाएगी। लेकिन गास्केट लगाने से पहले हम एक बार बिना गास्केट के इस सीट को अपने जो छेद है, जो भी हमारा ड्रेन वाला पाइप है, उसके ऊपर फिक्स करके देखेंगे। और उसके ऊपर फिक्स करने के बाद हम उसमें 2 से 3 बाल्टी फुल भरकर बाल्टी पानी डालेंगे और चेक करेंगे लीकेज के लिए।
अगर चार पाँच अगर दो तीन बाल्टी पानी डालने के बाद, फुल बाल्टी पानी डालने के बाद कोई भी लीकेज नहीं होती है, अगर आपकी टाइल्स में चारों तरफ से कोई भी पानी की लीकेज नहीं होती है, तो हम सीट को कुछ इस तरह से फिक्स कर देंगे और चारों तरफ से हम पेंसिल या फिर किसी भी पेन की मदद से इसकी आउटलाइन बना देंगे। उसके बाद जाके हम गास्केट को इंस्टॉल करेंगे जिससे कि हमारी सीट सही जगह पे फिक्स हो जाए। तो अभी हम यहाँ पे चारों तरफ से निशान लगा लेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, इसके चारों तरफ जैसे कि इसकी बाउंड्री बनी हुई है, इसके चारों तरफ अपनी टाइल्स में निशान लगा लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको एक आउटलाइन मिल जाएगी कि आपको आपकी सीट को कहाँ पर कवर करना है और कहाँ पर आपकी सीट एडजस्ट होगी। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर अपनी सीट को फिक्स कीजिएगा। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें गास्केट। तो देख लीजिए गास्केट किस तरह से लगानी है और कैसे हमें इसे फिक्स कर देना है। तो कुछ इस तरह से आप देख लें, ऐसे करके हमने इसमें गास्केट फिक्स कर दिया है और इसको हम आराम से उठाएंगे और जो भी हमने लाइन इसके चारों तरफ खींची है उस लाइन से मिलाते हुए हम इसको रखेंगे इजीली, जिससे कि ये इस होल में आए। तो कुछ इस तरह से हम इसको उठाएंगे और ये आप देख लीजिए गास्केट हमने फिक्स कर दिया है और इस होल के ऊपर हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोग इसको धीरे से यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे, जो कि एकदम बीचों बीच होनी चाहिए। जो हमने मार्किंग की थी उसी मार्किंग को मैच करते हुए हम इसको फिक्स करेंगे और कुछ इस तरह से ये हमारी सीट यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। तो ज़मीन से ये पाइप जो हमारा 4 या 5 इंच ऊपर पाइप था, तो उससे क्या होगा, जितना भी पाइप नीचे जाना होगा वो नीचे चला जाएगा और ये हमारी अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो कम से कम 4 या 5 इंच का पाइप आप अपने यू बैंड में लगा के रखिएगा और उसको थोड़ा सा फिर यू बैंड के जो रबर है उसके ऊपर तक रखना, उसके ऊपर आप इसको फिक्स करोगे तो धीरे से वो अपने इसके वेट से पूरा सही जगह पे फिक्स हो जाएगा। तो और आपकी सीट कुछ इस तरह से फिक्स हो जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने ये सीट को इंस्टॉल किया। तो कुछ इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो इसको लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूँ। तो इसी तरह के वीडियो में आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपने सवाल ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय टेक केयर।